हेलो दोस्तों, मैं हूं नवरतन मंडुशिया। सभी दोस्तों को जय हिंद। दोस्तों, आज हम देखेंगे आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु क्या है? देखिए, पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। तो मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूं। मैंने प्ले स्टोर को ओपन कर दिया है। अब इसमें आपको लिखना है आरोग्य सेतु। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ आरोग्य सेतु। मैंने आरोग्य सेतु लिख दिया। अब आपको ओके करना है। आरोग्य सेतु लिखने के बाद में सबसे ऊपर एक हार्ट और का एक चिन्ह आएगा, एक फोटो आएगी, और उसके नीचे एक राइट का क्लिक जैसा एक ऑप्शन आएगा। तो हमें उस आरोग्य सेतु पर हमें क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में देखिए, आपके सामने आरोग्य सेतु नाम का एक जो ऐप्स है वो आ गया। वो ऐप्स NICE गवर्नमेंट मोबाइल ऐप्स आरोग्य सेतु के नीचे लिखा हुआ है, तो वो आपको ही डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखिए, ये इंस्टॉल हो रहा है। और इंस्टॉल होने के बाद में आपको इसमें जो चीज़ें पूछी जाए वो आपको बतानी। देखो, इंस्टॉल हो रहा है आरोग्य जो ये जो सेतु है, यह ऐप यूज कर कोरोना संक्रमण कैसे चेक करते हैं वो आपको बताएगा। और यह जो आरोग्य जो सेतु नाम का जो ऐप्स हैं, ये लॉन्च होने के कुछ ही समय में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने इस ऐप्स को डाउनलोड कर लिया है। सरकार का यह ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आंकलन करने में मदद करता है। और आप इस आरोग्य सेतु को एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन दोनों तरह के स्मार्टफोन पर इसे डाउनलोड कर सकते हो। खास बात यह है कि यह ऐप्स आसपास मौजूद कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करेगा और आपके मोबाइल के ब्लूटूथ स्थान और मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऐसा किया जाता है। तो आइए हमें इस आरोग्य सेतु ऐप्स को प्रयोग में लें। आइए देखते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने इसमें मोबाइल में जो आरोग्य सेतु नाम का जो ऐप्स है डाउनलोड कर लिया है। अब इसको मैं ओपन करूँगा। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी भाषा होती है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बहुत सारी। तो मैं यहाँ पर हिंदी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर हिंदी कर ली। और हिंदी करने के बाद में आपको नेक्स्ट का जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति COVID-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया? इस तरह से आपके पास में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। तो मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कर दिया। फिर इसमें आपके पास में बहुत चीज़ें आएगी। देखो, ये क्या काम करता है, ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेटेड सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवत संपर्क को ट्रैक करता है। आपको यह जो ऐप है ये बता देता है कि आपके आसपास में कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं है। तो इस तरह से इस ऐप्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मैं नेक्स्ट दबाऊंगा। नेक्स्ट दबाने के बाद में देखूँ, ये यदि आप जाने अनजाने में किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। यदि आप बाय दे किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ जाते हैं तो ये ऐप्स आपको ऑटोमेटिक बता देता है कि आप कोरोना जो व्यक्ति था पॉजिटिव था उनके संपर्क में आ चुके हैं और आपको जल्दी से जल्दी आइसोलेट होने की आवश्यकता है। तो इसमें बहुत चीज़ें बताता है। और अब आगे मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में आरोग्य सेतु के साथ आप स्वयं की, अपने परिवार और मित्रों की COVID-19 से सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को इससे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। हम सुरक्षित तो भारत सुरक्षित होगा। यदि हम सुरक्षित हैं तो भारत सुरक्षित होगा, हमारा परिवार सुरक्षित होगा, हमारा गांव,
है वो सुरक्षित होगा, तो मैं यहाँ पर रजिस्टर कर रहा हूँ। तो देखिए रजिस्टर बटन पर आपको ओके करना है, तो मैं यहाँ पर रजिस्टर बटन पर ओके कर रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें, सेवा और गोपनीय की शर्त, हम इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हैं और आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। इसमें देखो क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, मोबाइल लोकेशन है, ब्लूटूथ है, डाटा शेयरिंग है, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर एग्री हो रहा हूँ, मैं यहाँ पर सहमत हो रहा हूँ, मैं सहमत हूँ। इस पर आपको ओके करना है, इस बटन पर आपको क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो इसमें अलाउ आरोग्य सेतु टू एसेस दिस डिवाइस लोकेशन पर आपको क्लिक करना है, तो मैं यहाँ इसको अलाउ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर अलाउ कर दिया है और फिर एक बार और अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अलाउ कर दिया। अब देखो इसमें आपको जो आपके मोबाइल नंबर हैं, जो आप जिस एप्स में यूज़ कर सकते हैं, और इस एप्स में आपको मोबाइल नंबर लिखना है। मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा है, देखो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में आपको सबमिट बटन पर ओके करना है, मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ। अब देखो एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी 7 सेकंड का होता है, तो वो ओटीपी यहाँ पर मैंने डाल दिया। यहाँ पर यदि आपके जिस आपका जो मोबाइल है, तो वो मोबाइल है तो इस मोबाइल में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण में आपका है, आपका लिंक क्या है, तो मैं यहाँ पर पुरुष कर रहा हूँ, मैंने पुरुष कर दिया। नाम क्या है, तो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, मेरा मैंने अपना नाम लिख दिया है, अपना नाम लिख दिया है। अब नाम लिख दिया, तो यहाँ पर देखो एक जो एक तीर का निशान है, उस तीर के निशान पर आपको ओके करना है। अब आयु, तो मैं यहाँ पर आयु लिख रहा हूँ, मेरी मैंने अपनी आयु लिख दी है। फिर जो तीर का बटन है उस पर ओके करना है। अब देखो आप डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, पुलिस अधिकारी और कोई जो भी हो आप हो, तो इनमें से कोई नहीं, तो मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ, तो मैं ओके नीचे वाला बटन है उस पर ओके करूँ। पिछले 30 दिनों में किन किन देशों का भ्रमण, यदि आपने 30 दिन में किसी देश में गए हो, किसी देश में आपने भ्रमण किया है, तो उसमें आपको डिटेल देनी है। तो अब यहाँ पर चाइना वगैरह खूब है, तो मैं यहाँ पर नॉन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी देश में नहीं गया। नोंद करते हैं, नोंद करने के बाद में आपको एक जो तीर का बटन है, जो तीर का निशान है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर तीर के निशान पर क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो ऐप है, इस ऐप में बहुत सारी जानकारी है, ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और जो वीडियोस जो आपके लिए लाऊंगा, वो आप इसमें आप देख सकते हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पर इसको हाँ कर रहा हूँ। ज़रूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि, यदि आप इसमें आप रुचि रख रहे हो, तो मैं यहाँ पर हाँ कर रहा हूँ। अब देखो सबमिशन की पुष्टि करें, तो मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पुष्टि मैंने कर दिया। क्या आप अच्छा महसूस करें, यस मैं इस ऐप्स को चलाकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर हाँ कर रहा हूँ। अब देखो 20 सेकंड का सेल्फ आइसोमेंट या असेसमेंट टेस्ट तो है, तो वो मैं 20 सेकंड का कर रहा हूँ। अब देखो इसमें आपके पास जो इस जो आरोग्य सेतु है, इसमें जानकारी आएगी। इस आरोग्य सेतु में आपको बताया जाएगा कि कृपया ध्यान दें कि इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं कोविड-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं? यदि आपके पास में जो ये जो स्टेप खुलेगी, इसमें 4 ऑप्शन है, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, इनमें से कोई नहीं, आपको जो चीज़ आपको तकलीफ हो रही है, जो चीज़ आप महसूस करें, वो चीज़ इसमें आपको सबमिट करनी है, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खांसी बुखार सांस लेने में दिक्कत कुछ भी मुझे दिक्कत नहीं है, तो मैं इनमें से कोई नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है वो इसमें सबमिट कर दिया। इसके बाद में क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी कभी हुआ है? यदि आपके पास इसके बाद पहले 4 ऑप्शन आए थे, उसके बाद 5 ऑप्शन आएंगे, इसमें से यदि आपको कोई दिक्कत है वो इसमें आपको सबमिट करनी है, तो मुझे मधुमेह, उक्त रक्तदाब,
ये जो है चीज़ें मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, तो मैं इनमें से कोई नहीं तो ये करूँगा, नीचे नीचे वाला ऑप्शन। क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है? मैंने कभी मैं अभी तक विदेश गए नहीं इसलिए, और ना मैं 14 दिन में गया, तो मैं यहाँ पर हाँ कर रहा हूँ। ओ सॉरी 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 सॉरी, दोस्तों मैंने वो गलती से वो हाँ कर दिया था। क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है? तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, तो वो मैंने वो गलती से यहाँ पर वो क्लिक कर दिया। तो आपको यहाँ पर यदि आप 14 दिन में यदि विदेश गए तो हाँ करना है, और 14 दिन में यदि विदेश नहीं गए तो ना करना है। तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। नहीं करने के बाद में आपके पास में देखो और ऑप्शन आएगा, हाल में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ या ऐसे व्यक्ति के साथ रहा हूँ, और ये चीज़ें इनमें है। मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ, मैंने सुरक्षात्मक केयर के बिना ही कोविड-19 पुष्ट मामले की जांच की है। तो आपको इसमें क्या लिखना है? इनमें से कोई नहीं, तो मैं यहाँ इनमें से कोई नहीं लिख रहा हूँ। अब आपको आगे जाना है। तो ये चीज़ें आपके पास में, आपका संक्रमण का जोखिम कम है, हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर ही रहें। यदि आप लक्षणों का सफल ये विकास करते हैं या किसी कोविड-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं, तो स्वतः निर्धारित टेस्ट को दोबारा लें। तो आप यदि अगले 2 हफ्ते में आपको खांसी बुखार या सांस लेने में कोई कठिनाई महसूस होती है, तो आपको तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए। तो इस तरह का ये ऐप है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो मैं अब देखो यहाँ से बैग जा रहा हूँ, और बैग जाने के बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि घबराइए नहीं पर सावधान रहिए, आपको घबराना नहीं है, आपको सावधान रहना है, आपको घर पर रहना है। यदि 21 दिन का लॉकडाउन यदि सरकार ने किया है, तो हमें उस 21 दिन की लॉकडाउन का हमें पालन करना चाहिए, और हमें इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। देखो इसमें कोविड-19 सहायता केंद्र दे रखा है, सेल्फ ये असेसमेंट टेस्ट भी है। अब देखो ये जो कोविड-19 सहायता केंद्र है, तो इसमें आपके पास में बहुत सारे आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम, बिहार, ये जो छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, बहुत सारे जो इसमें नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यदि कुछ हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर आप कॉल करके कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के नंबर है 01-41-333-5624, ये आपको नंबर दे रखे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं कोई दिक्कत है तो। और इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, कोविड-19 में अधिक जानकारी आ रही है। तो हमारे जो कोविड-19 का जो प्रकोप, जो महामारी जो चल रही है, तो हमें इससे बचना चाहिए, और हमें इससे मजबूत होकर इस कोरोना वायरस को हराना है। तो अभी इसी के साथ मैं आपको कुछ और सजेशन देना चाह रहा हूँ। दोस्तों हमें सबसे बड़ी जो मेरी जो सजेशन जो सबमिटेड जो वेरिफिकेशंस हैं, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमें केवल जो 21 दिन का जो लॉकडाउन दे रखा है उसका पालन करना है, और हमें घर से नहीं निकलना है। जय हिंद जय भारत। दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आने वाली और वीडियो आप देख सकें। जय हिंद जय भारत।